खुशी के आंसू है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने आप को और सब पे मेरे भारत। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना और आप लोग स्वस्थ रहें। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में 41 मजदूरों के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो किसी एक्टर या भगवान से कम नहीं था। अपने साथियों का हौसला जिसने टूटने नहीं दिया, सामने मुश्किलों का मलबा था, रास्ते बंद थे, बाहर निकलने की कोई राह हर एक एक दिन घटती जा रही थी, लेकिन बंद गब्बर सिंह नेगी ने अपने हौसले के साथ डटे रहे। का हौसला न टूटे इस बात की जिम्मेदारी संभाले रखे और गब्बर सिंह नेगी 41 मजदूरों में गब्बर एक था, लेकिन उन्होंने एक हीरो की तरह मोर्चा संभाला और इस बात से मोदी जी भी उनके फैन हो गए। और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गाँव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है किसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आप लोगों का सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर, इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनका उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर, और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बधाई हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। गब्बर सिंह नेगी पिछले 25 वर्षों से इस कंपनी से जुड़े हैं जिसमें सुरंग का निर्माण होते समय कई दुर्घटनाओं का अभाव भी है। उत्तरकाशी सुरंग टनल के अंदर मुश्किल वक्त में भी जो उनसे कहा गया उसका उन्होंने पालन भी किया, और पीएम मोदी से बात करते समय गब्बर सिंह नेगी ने बताया कि इन हादसों का वह पहले भी शिकार हो चुके हैं। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर। अंदर वो शख्स था जो मजदूरों का हौसला टूटने नहीं दे रहा था और 20 रेड माइनर्स थे जो सुरंगों को धीरे धीरे चीर कर मजदूर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अमेरिका से आई 25,000 किलो की मशीन ने लंबी ट्रेनिंग की, लेकिन जिद्दी चट्टान के सामने मशीनों ने भी हार मान ली, तो सामने आए 20 रेड माइनर्स। इसे लीड कर रहे थे मुन्ना और देवेंद्र। सुरंग के अंदर सावधानी से रेंगते हुए, सावधानी बरतते हुए मुन्ना और देवेंद्र आगे बढ़ते रहे, जिनके जिम्मे था अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 30 घंटे की मशक्कत के बाद मुन्ना और देवेंद्र की टीम ने सावधानी पूर्वक इन सभी को बाहर निकाला, और यह भी कह सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो सहयोग जताया मजदूरों के लिए वह भी बहुत सराहनीय है।